नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की फसल को ख़राब करने वाले लाल कीट की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊपर एक बेल आइकन दिख रहा है, अगर आप उसे दबाएंगे तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस कीट की पहचान कैसे की जाए? बच्चे और वयस्क जो होते हैं वो सफ़ेद धब्बों के साथ लाल रंग के होते हैं और उनके आगे के पंखों पर काले निशान होते हैं। इस कीट से नुकसान के लक्षण क्या हैं? बच्चे और वयस्क प्रारंभिक अवस्था में पौधों के कोमल भागों जैसे पत्तियों और टहनियों से रस चूसते हैं। बाद में वो फूलों और टिंडों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे टिंडे समय से पहले ही खुल जाते हैं और रुई दागी हो जाती है। बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और उनके द्वारा किए गए छेद वाली जगह से पौधों पर जीवाणु संक्रमण हो सकता है, जिससे टिंडे या बीज गल जाते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे किया जाए? इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफोस 39% SL की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपके बहुत काम आए। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ रोज़ सबसे पहले आपको दिखाई दें। धन्यवाद।